तैयारी चल रही है। सरकार खाली पड़े पदों का ब्यौरा जुटा रही है और सभी विभाग के प्रमुख से रिक्तियों की सूची मांगी गई है। 4,72,976 खाली पदों की जानकारी मिली है। 2005 से लेकर के 2020 तक में 8,00,000 लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। 2020 विधानसभा चुनाव में नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा थी। नेताओं में वादा करने की होड़ लगी थी। नीतीश कुमार ने भी 10,00,000 नौकरी का वादा किया था। अब नीतीश सरकार 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले 10,00,000 नौकरी का वादा किसी भी हाल में पूरा करना चाहती है। यही वजह है कि बिहार में बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी चल रही है। बिहार में नौकरी के इंतजार में बैठे बेरोजगार युवाओं को अब नौकरी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। सरकार ने सभी विभागों से खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा है ताकि चुनाव के पहले इन सभी पदों को बहाली के जरिए भरा जा सके। अब तक 4,72,976 खाली पदों की जानकारी सामने आई है, क्योंकि बिहार में स्वीकृत पदों की संख्या है 16,26,927, जबकि 11,53,951 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं। विभाग वाइज खाली पदों की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में 2,17,591 खाली पद हैं, स्वास्थ्य विभाग में 65,734 पद, गृह विभाग में 41,414 पद खाली हैं, ग्रामीण विकास विभाग में 11,784 पद खाली हैं, तो ऊर्जा विभाग में 5,563 पद खाली हैं, जल संसाधन विभाग में 13,712 पद, परिवहन विभाग में 7,531 पद, राजस्व एवं भूमि सुधार में 15,214 पद खाली हैं, श्रम संसाधन विभाग में 5,039 पद खाली हैं, लघु जल संसाधन विभाग में 7,548 पोस्ट खाली हैं, समाज कल्याण विभाग में 10,844 पद खाली हैं, भवन निर्माण विभाग में 3,828 पद खाली हैं, जबकि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में 2,994 पद खाली हैं। खाली पदों की जानकारी सामने आने के बाद सरकार विभाग वाइज अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकालने वाली है। लक्ष्य है कि 2024 में ही इन पदों को बहाली कर भर दिया जाए ताकि 10,00,000 नौकरी का वादा पूरा हो सके। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की।